लगा रहा है, इतना कोरा लगाऊंगा तुम्हारा उदय जो अंतहीना हाथे तोड़ दूंगा। आओ बापू अम्मा कहिए कहीं गेलो होते अल्लू। हां मंत्री एक बात बताओ। जी जी। किस खुशी की नारा है राज दरबार में? महाराज अपना ना जाने छिया बुढ़वा पूजे नहीं है जी, खाली मुठिया बजे। अब बेहोदा कहेगा फिर उल्टा कोड़ा लगेगा। बाबू आ हमें मुखिया उठ लो छिया। बेहोदा कहेगा क्या हुआ है तुम मुखिया में? हमें मुखिया उठ लो छिया, वोट नहीं गिरी वो। बेहोदा कहेगा आओ इधर, मुखिया में तुम उठ गया है। अब तुम एक बात बताओ। हाँ? अरे बेहुदा कोई जानवर तो तुम गाय भैंस तो नहीं है रे? बेहुदा कहेगा बाबू अम्मा ना देखे जो छोड़ना सीखियो। बेहुदा कहेगा उठता नहीं है, तुम बोलो कि हम मुखिया का कैंडिडेट है। खड़ा हुआ है तुम सोच लो। देखो नहीं नौरिया हमरा बतल कहूं की। अरे तुम्हें मूर्ख बना दिया ये नौरी सब ने। चलो बताओ महामंत्री सुनो, राज दरबार में किस खुशी की नारा है? ए महाराज इसी खुशी का नारा है, अगर आप आज दूसरा शादी नहीं कीजिएगा हम दोनों जात से इंकलाब जिंदाबाद। अरे रुक जाओ बेहुदा कहेगा। चलो भागिया जी बोला था। समझ गया मैं, समझ गया। जैसी वाणी महारानी का है उसी प्रकार से वैसा ही वाणी नौरी वाणी महामंत्री सभी का एक ही नारा है। महामंत्री ए महाराज सुनो, देखो अंगड़ी करे छ पाछू से। महामंत्री सुनो जी, महामंत्री तुम्हें दिमाग नहीं है ना? तो रे दिमाग चले फिर कोड़ा लग जाएगा महामंत्री। चलो अगर ऐसी बात है इसी में तुम लोगों को हर सदस्य को इसी में खुशी है। जी जी जी। जाओ इस वक्त नौरी बानी को भेज दो, मैं दूसरा शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाओ महाराज, जाओ नौरी बानी उधर से महारानी को भेज दो। महामंत्री जी जी। चलो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। ओ बापू आगे मैया, अरे क्या लड़की कर दो बुढ़वा के। बेहुदा कहेगा रे चलो उठ खड़ा हो जाओ। बेहुदा इतना कोरा बाबू बताबो बड़का वो हमरे से ब्याह करता है। बेहुदी से सुनो जी जी, तुम एक बात बताओ लड़की है या लड़का रे? हाँ हाँ देखो तो क्या खोलवाओ ना। चलो बताओ तुम क्या? आई एम लेडा। बेहुदा इसका मतलब ये हुआ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बर्तवारी जाने के लिए तैयार हो जाओ। ओ बाबू देखो बुढ़वा ये ना बोलते तब ना। महामंत्री मैं भी तैयार हो गया, तुम भी तैयार हो जाओ। महामंत्री चलो ये बात महारानी को बुलाकर राज दरबार में महारानी को बताया जाए। चलो आवाज लगा महारानी को। ठीक है महाराज। अरे देरी ना लगे वो तरा मंत्री जी पर राम रानी वाह खुश रहो मां मंत्री जी। महाराज जी याद किए बगले बगले।
प्रणाम सौ खुश रहो महारानी सहारा किस लिए हाथ किए हैं पति देव देखो महारानी जैसी तुम्हारी नारा है उसी प्रकार से इस राजमहल में नौरी वाणी महामंत्री का एक भी नारा है महारानी मैं शादी करने के लिए दूसरा तैयार हूँ महारानी क्या आप दूसरा शादी करने के लिए तैयार हैं पति देव आखिर क्यों नहीं महारानी हे परिमाना खुशी है हो इस वक्त मैं महामंत्री को लड़की देखने के लिए कई दूसरे राज भेज देता हूँ महारानी ठीक है स्वामी जी महारानी इस वक्त तुम राजमहल जाओ महारानी ठीक है स्वामी जी मैं अपना राजमहल जाती हूँ पति जाओ महारानी समय नहीं है प्रणाम प्रणाम जल्दी जाइए महामंत्री जी जी महाराज सुनो अरे मैंने सुना है विक्रमपुर शहर में राजा विक्रम सिंह है जी जी और उसके उसे एक इकलौती पुत्री फूल कुमारी है मैंने जानता हूँ जी महाराज जो राजा विक्रम सिंह की एक इकलौती पुत्री फूल कुमारी को जाकर देखो महामंत्री महामंत्री इस वक्त विलंब नहीं होना चाहिए सिख जाओ और सूरजी को जाकर देखो कैसी है ठीक है महाराज आप जाइए महल में आपके लिए नौरीवाणी गरम गरम लेमन टी बना के रखा है और पीजिए आराम कीजिए अरे बारी खुशी रे जय महादेव होइ नौरे बाबूला बड़का बो बुढ़बात चल ले गेला कन्ना छे बड़का बो अब जाय छ लड़की देखे ले चलबो चलबो हां चलै छ देबे की रिकॉर्डिंग लगै हो लगा दिया हां हां